सिस्टम से अगर आप चाहते हैं कि महीने का मुझे भी 20,000 रुपया आए, आपको भी चाहते हैं कि मुझे महीने का 20,000 रुपया आए। नमस्कार सर। नमस्कार सर, ये सिस्टम बहुत अच्छा लगा। पहले मैं अपना नाम बता दूं, मेरा नाम रोहित कुमार, मैं लुधियाने शहर में 10 साल से प्लस हो गया, मैं कटिंग का काम करता हूं, कटिंग मास्टर हूं, और ये सिस्टम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जो कि ये सिस्टम में लाने वाला मेरा दोस्त कह लो, गुरु कह लो, सर कह लो, गोपाल वर्मा, और ये सिस्टम में आने के में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लोग भी है, बहुत अच्छा से काम भी कर रहा हूँ, सामान भी शुद्ध इसमें आने में देख रहा हूँ सर, काफ़ी फायदा है। फायदा की बात करूँ तो शायद मैं गिनती भी भूल जाऊँ, इतना फायदा है जो कि और किसी कंपनी में नहीं है और कहीं नहीं है। जैसे MRP छूट, शुद्ध सामान, 2% से 22% बोनस, 30 दिन की गारंटी सामान की, ये सब सिस्टम मुझे सर बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा, और करने में भी बहुत अच्छा लग रहा है ये RCM में, और लोगों को खास करके बताने में भी बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं लोगों को बताना भी चाह रहा हूँ कि सिस्टम बढ़िया है, शुद्ध सामान है, तो क्या होता हूँ सर, इतना फायदा है कि इसका गिनती नहीं किया जा सकता है। जो आपका वीडियो देख रहा हूँ पुराना पुराना, उसमें एक एक बात इतना अच्छा से लग रहा है ना दिल में सर, मन तो ऐसे करता है कि बस मैं RCM करता ही रहूं, छोड़ू ना ये सब जो कर रहा हूँ, कटिंग, सिलाई, ओवरलॉक, ये सब छोड़ के बस सीधा RCM में ज्वाइनिंग कर लूं। जो RCM में करने का फायदा इतना है ना सर, इतना पैसा है ना कि दिन प्रतिदिन वहाँ पैसा घटेगा नहीं सर, दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएगा, जो कि और किसी फील्ड में नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है RCM। सामान का इसका बात करें तो सामान मैं सारा कुछ ला रहा हूँ, सब कुछ खा रहा हूँ, गम ओरिजिनल हेलगार्ड तेल हो गया, न्यूटी चार्ज हो गया, ये सब चीज काफी चीज है कि जो मेरे फायदे का है, नहीं छोड़ना चाह रहा हूँ सर, बहुत बढ़िया लग रहा है खाने पीने में भी। नहीं तो कोई शिकायत है कि ये सामान अच्छा नहीं लग रहा है, महंगा लग रहा है, ये भी नहीं है, सामान भी अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है सिस्टम में काम करने में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय RCM, जय एक्शन टीम। मैं आप सभी का दिल से शुक्रिया करता हूं, दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप सभी लोग अपनी गति को प्रगति पे रखे हैं, अपनी नॉलेज को बढ़ाते जा रहे हैं, रोज़ सुबह जूम मीटिंग में कनेक्ट होते हैं, कुछ सीखने के लिए आते हैं और सीख कर ही जाते हैं, कुछ न कुछ नया रोज़ सीखते हैं आप। जो व्यक्ति सीखने से पीछे रह गए वो जीतने से पीछे रह जाएंगे, इसमें 100% चांस है। अब ये सिस्टम क्या है, ये मिशन क्या है जो हम और आप काम कर रहे हैं, ये है क्या, पहले तो आज हम ये जान लें। हम लोग इसको बड़े हल्के में ले रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, सभी लोगों से बड़े ध्यान से बातों को सुने, गहराई से सुने, अच्छे से समझें। आपके हाथ में क्या लगा हुआ है, आपके हाथ में क्या मिला हुआ है, उसकी ताकत को पहचानें। जो सजीवन बूटी आपको मिली है, जो मड़ी आपको मिली है, उसको समझें, उसकी ताकत को पहचानें। अगर आप इसकी ताकत को नहीं पहचानेंगे तो आप इसको सही तरीके से आगे इस मिशन को बढ़ा नहीं पाएंगे। पहले हमें इस ताकत को समझना होगा। अभी तक हमें इसके ताकत के बारे में पता ही नहीं है, बस हम इसलिए जूम में आ जाते हैं कि हमारा अपलाइन बोलेगा हमें कि आज आप जूम मीटिंग में नहीं आए थे, बस हम इसलिए जूम मीटिंग में अटेंड हो जाते हैं ताकि हमें कोई कहे ना कि आप सीख नहीं रहे हो। हम सिर्फ फॉर्मेलिटी अदा करते हैं, रियलिटी जो है उस रियलिटी को हम भूल जाते हैं। और जो व्यक्ति फॉर्मेलिटी अदा करते हैं तो ऊपर वाला भी उनके साथ फॉर्मेलिटी अदा करता है, रियलिटी में नहीं कुछ पिक्चर दिखाता है। हम में से कई ऐसे लोग हैं जिनके मन में कई तरह के डाउट हैं, कई तरह की शंकाएँ हैं, कई तरह का शक है कि हमसे होगा कि नहीं होगा, अगर हम इसे कर भी रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। कई लोग ऐसे भी होंगे जिनको पैसा आया है, कई लोग ऐसे होंगे जिनको अभी नहीं आया, जिनकी अभी नई शुरुआत है, नई ज्वाइनिंग हुई है। कई बार क्या होता है, बीच बीच में पैसा आता भी है, कई बार बीच बीच में पैसा नहीं भी आता, ऐसा भी होता है। तो जब तक हम इसको पैसे के लिए करते रहेंगे तब तक पैसा नहीं आएगा, ये बहुत कड़वा सच है। आप जब तक इस काम को पैसे के लिए करोगे पैसा नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा।
आप इसे पैसे के लिए करो ही मत। पैसा आएगा, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं आएगा, आएगा, दौड़ कर आएगा, भाग कर आएगा, चिल्ला करके आएगा, आएगा पैसा, लेकिन पैसों के लिए काम मत करो। जैसे एग्जांपल, जब तक पढ़ाई का मकसद नौकरी पाना होगा तब तक हमारे देश में नौकर ही पैदा होंगे, मालिक नहीं। हर बच्चा पढ़ाई करता है नौकरी पाने के लिए, कोई न कोई अफसर बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, वकील बनना चाहता है, टीचर बनना चाहता है, यानी पढ़कर कुछ बनना चाहता है। और बनना भी क्या चाहता है, किसी का नौकर, या तो सरकार का नौकर या तो किसी सेठ का नौकर, बनना तो नौकर ही चाहता है ना, पढ़ाई करके डिग्री लेके। तो जब तक उसका मकसद ही नौकरी पाना होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा नौकर ही पैदा होंगे, मालिक पैदा नहीं होंगे। और हम लोग एक मालिक वाला काम करना शुरू किए हैं, आरसीएम हमारा, हम मालिक है ना आरसीएम में, हमारी जहाँ से आईडी लगी है वहाँ से नीचे की जिम्मेवारी हमारी होती है। हमें उन्हें बताना होता, जगाना होता, चलाना होता, मीटिंग में लाना होता, प्रोडक्ट के बारे में सिखाना होता। हम मालिक हैं अपने बिजनेस के, अपने टीम के, अपने ग्रुप के, हम मालिक हैं। अगर बिजनेस वैल्यूम, जो बिजनेस वैल्यूम नहीं बोलता इसको, परचेजिंग वैल्यूम होता, जो परचेजिंग वैल्यूम अगर वो जनरेट नहीं हो रहा, बढ़ नहीं रहा है, तो हम मालिक वाला काम नहीं कर रहे। फिर हम नौकर वाला, नौकर आपको पता है जब नौकरी करते हैं कैसे करते हैं, जब तक बॉस सामने होता है तब तक वो अपने काम करते रहते हैं, उनके कलम चलते रहते हैं, हाथ चलते रहते हैं। जैसे बॉस यानी मालिक थोड़ा दूर हो जाता, हट जाता, तो वो लोग अपने आपस में गप्पे मारते हैं, हंसी मजाक करते हैं, फिर वो बात काम नहीं करते, फिर वो या तो कुर्सी को तोड़ करके लेट जाते, सो जाते हैं। जब बॉस सामने होता, मालिक सामने होता, तो काम होता, उसके ना होता। तो जब हम नौकर वाले माइंड सेट से, नौकर वाली सोच से, नौकर वाले विचार से इस काम को करेंगे, हम इसमें आगे नहीं बढ़ सकते, कामयाब नहीं हो सकते इसमें। हमें मालिक वाली सोच लानी पड़ेगी कि मैं मालिक हूँ, मैं अपने टीम का मालिक हूँ, मेरे नीचे चाहे दो लोग की ज्वाइनिंग लगी है, चाहे चार लोग की आईडी लगी हुई है, उसका मैं मालिक हूँ, मेरा अपलाइन नहीं। मैं कब अपलाइन बनूंगा, मुझे भी तो अपलाइन बनना है ना, मेरी भी तो जिम्मेवारी बनती है ना, कि सारा काम ऊपर वाला ही कर देगा। ऊपर वाले ने तो आपको धरती पर भेज दिया ना, अब धरती पर आने के बाद अगर वो कर्म नहीं कर रहे हो जिस कर्म के लिए भेजे गए हो, तो फिर आप इंसान तो रहे ही नहीं ना, फिर तो जन्म लेना ही बेकार हो गया आपका। जो कर्म के लिए यहाँ भेजे गए हो धरती पर, उस कर्म को तो करो सही तरीके से। सब कुछ ऊपर वाला ही नहीं करेगा ना, आपको इस कर्म भूमि में, जो धरती पे आप हो, ये कर्म भूमि, इसको बोलते कर्म भूमि। तो कर्म भूमि पे आ गए हो, तो कर्म भूमि के आने के बाद भी अगर वो कर्म नहीं करते तो नहीं होगा। 27 लोग हम लोग, संख्या को बढ़ाना है, लोगों को लेके आना है, आगे लेके जाना है। आरसीएम क्या देता है, आरसीएम क्यों करना चाहिए, आरसीएम किसको समझ में आता है, आरसीएम में कौन लोग कामयाब हो सकते हैं, आरसीएम में कौन कामयाब नहीं हो सकते हैं, ये सब चेक किया जा सकता है। ये बिल्कुल चेक किया जा सकता है। जैसे जैसे जब हमारा कोई हम परीक्षा देने जाते हैं, नौकरी के लिए फॉर्म भरने जाते हैं, जब हमारा टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं इंटरव्यू, इंटरव्यू में ही पता चल जाता है कि ये व्यक्ति इस नौकरी को पाने लायक है या नहीं है। अगर है तो सिलेक्ट करो, नहीं है रिजेक्ट करो, इसको रिजर्व में रखो, वेटिंग में रखो इसको। अगर थोड़ी बहुत चांस लग रहा कि ये नौकरी अगर इसको दी जाए, आईएएस की नौकरी दे दी जाए, तो क्या आईएएस वाले पद को संभाल सकता है? यदि आईएएस के पद को संभाल सकता है, उस लायक है, उस वैसा माइंडसेट है इसका, वैसा तौर तरीका, रहन सहन, उठना बैठना, बोल चाल, नॉलेज, एजुकेशन वैसा है आईएएस वाला, तो फिर इसको सिलेक्ट करो। अगर इसमें कोई भी कहीं कमी दिख रही है, इसको रिजेक्ट करो, हटाओ इसको। फिर तो आप में वो सारी खूबियाँ रहनी चाहिए। अगर आप हमारे साथ में कनेक्ट होते, जूम पे आते हैं, तो जो चीज़ हम आपको सिखा पाते, अगर उसको सीख रहे हो, तो संभावनाएं हैं कि आप भी रॉयल्टी अचीवर बन सकते हो। यदि आप उसको सीख कर नहीं रहे हो, फील्ड में जाकर उसको अप्लाई नहीं करते हो, तो संभावनाएं हैं कि आप इसमें फेल हो जाएंगे। हमारी कोई भी बात को बार बार बताने के बाद अगर उसको अनसुना करते हो, अनदेखा करते हो, इग्नोर करते हो, तो संभावना है कि आप फेल हो जाओगे। यदि आप बताई गई बातों को फॉलो करके आगे बढ़ रहे हो, फील्ड में उतर रहे हो, लोगों को ये जो अपना अभियान है, अभियान प्रचार, इसको आप आगे लेकर जा रहे हो, तो संभावना 100% है कि आने वाले टाइम में आप भी हमारे जैसे लेवल पे आ जाओगे। हिंदुस्तान नहीं, पूरे कंट्री में काफ़ी लोग आपको जानने और पहचानने लग जाएंगे। तो कान का कुंडल बनने के लिए सोने को आग में तपना पड़ता है, सेम उसी तरीके से आपको इसमें थोड़ा सा उतरना पड़ेगा। इसमें तपना नहीं पड़ेगा, उतरना पड़ेगा। कहाँ उतरना पड़ेगा? फील्ड में उतरना पड़ेगा। इंसान स्वार्थी होता है, इंसान स्वार्थी होता है, स्वार्थ बस काम करता है। जब तक उसका मतलब होता है तब तक सब ठीक है,
जैसे उसका मतलब निकल जाता है सब बेकार लगता है उसको। हम इंसान स्वार्थी होते और आलसी होते हैं, मतलबी होते हैं। बुरा मत मानना इस बात को, मैं एकदम सही बोल रहा हूँ। इंसान स्वार्थी होता है, मतलबी होता है, अपने स्वार्थ के लिए काम करता है, अपने मतलब के लिए काम करता है। अगर उसमें दूसरे का कोई मतलब हो, दूसरे का स्वार्थ हो, तो हम वहाँ से दूर भाग जाते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। अगर आपको कोई चीज़ दिया गया है, अगर उसका सदुपयोग करोगे तो वो चीज़ें बढ़ेगी, घटेगी नहीं कभी। उसको दुरुपयोग करोगे तो वो चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। जैसे लोहे को लोहा ही ख़त्म करता है, लोहे को लोहे में लगा हुआ जंग ख़त्म कर देता है, उसे और कोई चीज़ ख़त्म नहीं करती है। लोहा अपने आप ख़त्म हो जाता है जंग लग के। अगर लोहे को सही काम में लिया जाए, कोई चीज़ का लोहा का अगर औजार बना दिया जाए, छीनी बना दो, हथौड़ी बना दो, कोई औजार बना दो, चाकू बना दो, उसको काम में लेते रहो तो वो लोहा काफ़ी दिन तक आपके पास रहता है। अगर उस लोहे को किसी काम में, मतलब एक जगह कोने रख दो, उसमें जंग लग जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा वो लोहा। तो आपको जो चीज़ मिली हुई है उसका सही इस्तेमाल अगर आप नहीं कर रहे हो तो वो चीज़ धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी, छीन ली जाएगी, जो जानकारी आपके पास सब मिट जाएगी वो। इसलिए करना क्या है आगे उस पर बात करते हैं। आप लोग सुनो, बड़े ध्यान से सुनो, थोड़ा सा अच्छे से सुनो और आगे बढ़ो। क्या वाकई आप लोग इस सिस्टम में, अगर हम बात करें आरसीएम में, आरसीएम का मतलब होता है राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, खरीदारी करने का सही तरीका, बाजार करने का सही तरीका, राइट, इसका मतलब ये होता है राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। अगर इस सिस्टम से अगर आप चाहते हैं कि महीने का मुझे भी 20,000 रुपया आए, आपको भी चाहते हैं कि मुझे महीने का 20,000 रुपया आए, या आप चाहते हैं मुझे महीने का यहाँ से 10,000 रुपया मुझे महीने का आए, अगर ये पैसा आप चाहते हैं तो उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। बिना कोई काम किए कोई भी ऐसा फील्ड बता दो, कोई भी ऐसा बिजनेस बता दो, कोई दुकान बता दो, कोई नौकरी बता दो, कुछ ऐसा काम बता दो जहाँ कुछ करना ना पड़े और पैसा आ जाए। ऐसा कोई फील्ड है जहाँ कुछ भी ना करना पड़े और पैसा आए, खूब आए, जितना चाहो उतना पैसा आ जाए? कोई काम है ऐसा दुनिया में, हिंदुस्तान, पूरे वर्ल्ड में? है ही नहीं। करना तो पड़ेगा। किसान हो तो खेत में करना पड़ेगा, जॉब करते हो तो जॉब पर जाना पड़ेगा, दुकान चलाते हो तो दुकान खोलना पड़ेगा, यानी जो काम आप करते हो उस काम को करना पड़ेगा, तभी आपको पैसा आएगा। जब आप किसी हिंदू भाई के पास जाते हो तो राम राम करो, मुसलमान भाई के पास जाते हो तो सलाम करो, पंजाबी भाई के पास जाते हो तो श्री अकाल करो, या ज़्यादा कुछ ना बोल सके तो नमस्ते बोल दो, नमस्ते। सर नहीं बोलता है, सर नहीं बोलना, कई लोग सर बोलते हैं, नमस्ते सर नहीं बोलना, नमस्ते अंकल जी, नमस्ते दादू, नमस्ते भाई जी, ऐसे बोलना, पाजी नमस्ते, बड़े भाई नमस्ते, छोटे भाई नमस्ते, तो इस तरह से बोलना। ये सब क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। अगर ये क्वालिटी आपके अंदर नहीं है तो सामने वाले का दिल जीत नहीं पाओगे, आप उससे रिलेशन बिल्ड नहीं कर पाओगे, आप उससे दोस्ती नहीं बना पाओगे, आपकी उससे पहचान नहीं बन पाएगी, फिर आपका बिजनेस चलेगा नहीं। तो पहले रिलेशन बिल्ड करना पड़ता है, और रिलेशन बिल्ड इसी तरीके से होता है। आप सभी लोग कामयाब होना चाहते हैं, कामयाब होना है तो क्या करें? आरसीएम में कामयाब होना और 20,000 महीना कमाना है ना, 10,000-20,000 में और कम लिख देता हूँ। मान लो अगर सिस्टम में आप 5,000 महीना भी कमाना चाहते हो, या इस सिस्टम में आप 5 नहीं, मैं कहता हूँ चलो 2,000 ही महीना कमाना चाहते हो ना। सभी लोग चाहते हैं कि मुझे पैसा आए, आता भी है, सबको आता है, लेकिन उसके लिए करना क्या? मैंने फिर वही बात कही ना, करना पड़ेगा, बिना किए होने वाला। इस काम को करते समय आपके मन में उमंग होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, उमंग होना चाहिए, एनर्जी होना चाहिए, जोश होना चाहिए, आपके चेहरे पर चमक होनी चाहिए, तेज होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए किसी को बता रहे हो तो, क्योंकि आपकी एनर्जी दूसरे में ट्रांसफ़र होती है, तब जाकर कोई व्यक्ति तैयार होता है। जैसे मुकेश कोठारी जी बोलते हैं कि जब कोई व्यक्ति फिल्म देखने जाता है और फिल्म देख करके आता है और उससे पूछते हो कि आपने फिल्म में क्या देखा, फिल्म कैसी रही, अगर उसने सिर्फ एक पॉइंट मार दिया, जबरदस्त, गजब की फिल्म थी, अगर इतना उसने बोल दिया तो समझो जो दूसरा बंदा पूछ रहा था ना, वो भी दूसरे दिन फिल्म देखने चला जाएगा। ये क्योंकि उसने ना रिएक्ट किया, जबरदस्त मस्त फिल्म थी, मज़ा आ गया। जैसे वो इतनी बात बोलेगा तो दूसरे वाले बंदे के अंदर उसका जो एनर्जी है ट्रांसफ़र हो जाता है, अब वो मन बना लेता है कि कल मैं भी देख के आता हूँ, ये देख के बड़ा खुश लग रहा, कहता जबरदस्त फिल्म थी, मैं भी कल देख के आता हूँ।
तो जब हम आरसीएम के बारे में किसी को बताते हैं, इस मिशन के बारे में किसी को बताते हैं, तो हम जबरदस्त वाली बात नहीं बोल पाते। हम बोलते हैं हाँ ठीक है, बढ़िया है, करोगे तो मिलेगा। अरे भाई क्यों रो रो के बता रहे हो, काहे परेशान हो? तो देखा कि बंदा दुखी है, ये इसको तो कुछ मिलता ही नहीं होगा, इसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, तो हमको क्या फ़ायदा दिलाएगा? तो आपके अंदर एनर्जी होनी चाहिए, नहीं होती तो एनर्जी ड्रिंक पी के जाओ अपना रिफ्रेशर आरसीएम का, एनर्जी बढ़ जाएगी, राइट? तो आप एक अच्छे मिशन में हैं। किसी का सही स्टार्टअप कैसे कराया जाए, किसी व्यक्ति का सही स्टार्टअप कैसे कराया जाए, उस पर बातचीत करते हैं, राइट? हमेशा आपके पास उमंग होनी चाहिए, उत्साह होना चाहिए, ठीक है ना, जोश होना चाहिए। अब लेकिन जोश उत्साह उमंग कहाँ दिखाना, कैसे दिखाना है भी सुन लो। कई बार हम मिस्टेक कर जाते हैं। अब किसी के घर में गए और आपने उसको बोला आरसीएम जबरदस्त, मज़ा आ गया, गजब का है, ऐसा आपने बोला, और क्या पता चला उसके परिवार में कोई हॉस्पिटल में है, इलाज चल रहा है, क्या होगा फिर? फिर तो आपका जबरदस्त वहीं ख़त्म हो गया ना फिर। इसलिए हर एक पॉइंट को अच्छे से सुनो जो मैं बताना चाहता हूँ। कोई भी चीज़ बात जबरदस्त गजब बोलने से पहले उसके बारे में जान लो कि सब घर में ठीक ठाक है, घर परिवार सब स्वतंत्र रहता है, बढ़िया है, खुश है, इनके घर में कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं चल रही है ना, तब जबरदस्त बोलो, तब मज़ा आएगा वहाँ पे। अगर उसके घर में कोई प्रॉब्लम है तो जबरदस्त मत बोलो, हाल चाल पूछ लो, थोड़ा उनके दुख में शामिल हो जाओ। वो दुखी है तो थोड़ी सी आप भी दुखीपन दिखा दो चेहरे पे कि मुझे भी अफसोस है, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। आप अपने कर्म को करें, अपने इलाज को कराएं, यानी उनका उत्साह बढ़ाकर, उनका थोड़ा सा मनोबल बढ़ा करके फिर आप चले आए वहाँ। बिजनेस की कोई बात, अपने मिशन की कोई बात नहीं करनी है। अगर कोई व्यक्ति दुखी है तो उसके दुख में शामिल हो जाओ और थोड़ा सा उसका उत्साह बढ़ा दो, उसका मनोबल बढ़ा दो, थोड़ी तसल्ली दे दो, और उसके बाद में फिर वहाँ से चले आओ। वहाँ कोई मिशन की बात, बिजनेस की बात, आरसीएम की बात मत करो उस समय, राइट? जब तक सब कुछ सामान्य ना हो जाए, ठीक ना हो जाए, ये बात भी ध्यान रखना पड़ेगा। इसीलिए बोलता हूँ सुबह जूम में आओ, तभी सीख पाओगे बात करने का तरीका। तो आरसीएम मिशन में सफल होने के लिए, नया स्टार्टअप करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर मैं आप लोगों को बोलूँ, सीधा सीधा भाषा में बोलूँ, जब किसी व्यक्ति की ज्वाइनिंग लग जाती है तो 3 दिन के अंदर, चौथे दिन, पाँचवें दिन, छठवें दिन जाना है उनके घर पे, और जाने के बाद में उनको स्टार्टअप करवाना है। कैसे कराना है सुन लीजिए, लिख लीजिए। उनके पास बैठना है, हाल चाल पूछनी है, नमस्ते पूछना है, चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कान लानी है, और जब देखो घर में सब कुछ बहुत बढ़िया है तो अच्छी मुस्कान ले आनी है, राइट? जब सब कुछ ठीक ठाक हो घर में तो अच्छी मुस्कान ले आनी है। सब कुछ ठीक नहीं हो तो ज़्यादा मुस्कान लाने की ज़रूरत नहीं है, उसको अंदर दबा दो, दफन कर दो उस समय, राइट? ज़्यादा नहीं लाना। अगर सब ठीक है तो उसके बाद उनको बोलो कि प्रोडक्ट कैसा लगा, पूछो जो सामान आप लेकर आए वो सामान कैसा लगा आपको, आपने यूज किया होगा, तो बोलेंगे हाँ ये वाला ठीक था, वो वाला बढ़िया, वो वाला अच्छा, ये वाला अच्छा। तो जब वो व्यक्ति ज्वाइन होता है तो उसको स्वास्थ्य के बारे में बताया जाता है, सिस्टम की थोड़ी जानकारी दी जाती है, दुकान बदलने से मिलने वाले फायदे बताए जाते हैं, हर व्यक्ति को बताए जाते हैं, तो वो उस आदमी को पता है। अब उनसे बोलो, पूछो, सवाल करो, उनसे सवाल करो सामने वाले से कि क्या आप अपने परिवार को स्वस्थ रखना चाहते हो? अगर ऐसा सवाल आपने किया कि आप अपने परिवार को स्वस्थ रखना चाहते हो, तो सामने वाला क्या बोलेगा? नहीं, ऐसा बोल ही नहीं सकता वो बोलेगा हाँ हाँ जी बिल्कुल स्वस्थ रखना चाहते हैं। तो जब वो ऐसा बोले तो उनको अपने प्रोडक्ट के बेनिफिट के बारे में बताओ, किस प्रोडक्ट से क्या फ़ायदे होते हैं, वो प्रोडक्ट की सही जानकारी उनको दो। यदि अभी आपको नहीं पता है तो आप यूनिक एजुकेशन चैनल है आरसीएम का, वहाँ जाकर एक एक प्रोडक्ट की सही जानकारी ले सकते, वीडियो पड़ी हुई है। अगर आप किसी भी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो यूट्यूब पर जाओ, यूट्यूब पर सर्च करो उस प्रोडक्ट का नाम, जैसे न्यूट्रीचार्ज किट्स बच्चों के लिए ना, न्यूट्रीचार्ज किट्स के क्या फ़ायदे हैं, बच्चों को क्यों देने चाहिए, कितने साल के बच्चों को देना चाहिए, ऐसा सवाल जब यूट्यूब पे करोगे तो उस किट्स के बारे में, आरसीएम के बारे में प्रोडक्ट की जानकारी पूरी वीडियो आ जाएगी। उस वीडियो को देख लो, 5-10 मिनट में आपको किट्स की जानकारी मिल जाएगी, तो वो जानकारी आप किसी को ट्रांसफर कर सकते हो, किसी को बता सकते हो, उससे आप अपने किट्स को बेच सकते हो, अपने आरसीएम के किट्स को वहाँ दे सकते हो, राइट? जो चीज़ में कन्फ्यूजिंग आए कि अपलाइन से पूछो, तो अपलाइन नहीं, आप यूट्यूब पे चले जाओ, उस प्रोडक्ट के बारे में वहाँ पर सर्च कर लो, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ले लो, यूट्यूब से आपको मिल जाएगा, राइट? और फिर सामने वाले को बता दो। अच्छा, ये हो गया प्रोडक्ट की सही जानकारी उनको देना, और वहाँ पर अगर ऐसा आपने बताया तो आपका प्रोडक्ट रीपरचेज होने लग जाएगा, लगातार लोग खरीदने लग जाएंगे, जिससे होगा वो पक्के ग्राहक बन जाएंगे, वो छोड़ेंगे नहीं, कभी नहीं छोड़ेंगे आपके प्रोडक्ट को।
हमेशा यूज करते रहेंगे। और एक चीज का ध्यान आप जरूर रखें, कंसिस्टेंसी का ध्यान रखें। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है, जो व्यक्ति 1500 पीवी कर रहे हैं या 2500 पीवी कर रहे हैं या 5000 पीवी कर रहे हैं, इसका भी आप खास ध्यान रखें। इससे क्या होगा, अगर आपने 6 महीने लगातार कराया तो 7वें महीने सामान फ्री मिलता है, और जब किसी को एक बार आपने सामान फ्री दिलवा दिया तो वो व्यक्ति आरसीएम को कभी छोड़ेगा नहीं। लेकिन 6 महीने तक धक्का मारना पड़ता है, 6 महीने तक प्रेशर डालना पड़ता है, 6 महीने तक उनको बताना पड़ता है कि जी मिलता है, 6 महीने लो तो 6 महीने बाद 1 महीने फ्री मिलता है। लेकिन 6 महीने लोगे तब ना 7वें महीने गारंटी मैं लेता हूँ, अगर 7वें महीने फ्री सामान नहीं मिला तो गारंटी मेरी, मैं आपको सामान दूंगा उतने का। लेकिन कंसिस्टेंसी कंटिन्यू आपको सामान इतने का लेना पड़ेगा, इतने पीवी का सामान ये करना पड़ेगा, प्रेशर देना पड़ेगा, तब होगा 6 महीने तक। लेकिन जब एक बार सामान फ्री मिल गया तो फिर आपको प्रेशर कम देना पड़ेगा, काम होता रहेगा, राइट। तो ये काम आपको करना पड़ेगा। ये हो गया स्वास्थ्य के बारे में। जब किसी से पूछोगे कि क्या आपने परिवार को स्वस्थ रखना चाहते हो, स्वस्थ देखना चाहते हो, तो बोलेगा हाँ, तो बीच में ये सारी बातें करनी है। दूसरा, क्या आप समाज को भी स्वस्थ रखना देखना चाहते हो, क्या इनको भी खुशहाल देखना चाहते हो, क्या इनके बच्चों को हंसता खेलता देखना चाहते हो, तो सामने वाला क्या बोलेगा, नहीं नहीं हम तो इनको रोता हुआ देखना चाहते हैं, क्या ऐसा बोलेगा, नहीं बोलेगा ना। वो बोलेगा नहीं जी, हम सबको स्वस्थ देखना चाहते हैं, सबको खुश देखना चाहते हैं, सबको अच्छा देखना चाहते हैं। तो उनको बोलो कितने लोगों को अच्छा देखना चाहते हैं, तो वो बोलेंगे मैं तो बहुत लोगों को। तो जी आप नाम बताओ मुझे, उनकी डायरी लो तुरंत, आप नाम बताइए किनको किनको स्वस्थ रखना चाहते हैं, जो आपके माइंड में सबसे पहले नाम आ रहा जल्दी जल्दी बता दो। जब ऐसे वो बताएंगे तो फटाफट आपका लिस्ट बन के तैयार हो जाएगा, लिस्ट बन गया। उसके बाद आप उनको बोलो कि इनको स्वस्थ रखना है तो इनसे आपको हमें मिलाना पड़ेगा, ठीक है ना। इस तरह से, या आप इन जितने भी लोगों को जानते हो अपने घर पे एक बार इकट्ठे बुलाओ, चाय पार्टी पे, केक पार्टी, चाय पार्टी, कोई पार्टी करो, सबको इकट्ठे बुला लो। जब आप बुलाओगे तो मैं खुद आपके पास चलकर, एक टाइम बता देना, एक दिन पहले बता देना, मैं चल के आऊंगा और आने के बाद यहाँ उन सभी लोगों को इस मिशन के बारे में, इस प्रोडक्ट के बारे में, फायदे के बारे में मैं खुद बताऊंगा सभी को। तो इस तरह से आप बुला सकते हो। कब बुलाना चाहते हो बताओ, कल की परसों या संडे को, कब बुलाना चाहते हो इतने लोग जो आपने नाम लिखवाया। तो नाम लिखना या तो 11 लोग का लिखो या तो 21 लोग का नाम लिखो, दो में एक लिखना है, 11 या 21 लोग का नाम लिख लो। इससे क्या होगा, लिस्ट बन जाएगी और वहां से कुछ लोग की ज्वाइनिंग, जो व्यक्ति ज्वाइनिंग आपके साथ में किया है उसी महीने के अंदर में कुछ लोगों की ज्वाइनिंग उसके नीचे आनी चाहिए, तभी वो व्यक्ति टिकेगा, तभी वो इंसान टिकेगा, राइट। इसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा। वो व्यक्ति तब आएगा जब लिस्ट बनवाओगे, विजन क्लियर करोगे, और उसके साथ में जो अपना आरसीएम मिशन अभियान का जो वीडियो है, मिशन अभियान का जो वीडियो है, वो वीडियो उस इंसान को दिखाना, उस व्यक्ति को दिखाना, हो सके तो पूरी फैमिली अगर साथ में रहते हैं सबको बिठा कर एक साथ दिखाना है अपने मोबाइल में, और मोबाइल का ग्लास ठीक कर लो। कई लोग का ग्लास टूटा फूटा रहता है मोबाइल का, उसे ठीक कर लो, 50 रुपया लगता है। अगर आपके पास 50 रुपया नहीं है तो मैं देता हूँ, मेरे से ले लो, गूगल पे कर देता हूँ, फोन पे कर देता हूँ, अपना ग्लास चेंज करवा लो। नहीं तो दिखाओगे मिशन और लगेगा खिदर बिदर, उस पर सब फूटा फटा है, क्या दिखाओगे फिर। तो इसलिए अपने मोबाइल का ग्लास चेंज कर लो ऊपर का, ठीक है। तो आप उनको इस मिशन के बारे में बताओ। मैं वीडियो भी ग्रुप में डालूंगा, आरसीएम मिशन की जो वीडियो है ना, जिसमें वो बकरी छपी हुई है, बच्ची खड़ी है, वही मिशन वीडियो है, उस वीडियो को दिखाओ तो सामने वाले का विजन रीजन दोनों क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से हम स्टार्टअप किसी का करवा सकते हैं और अपने सिस्टम में आसानी से लेकर के आ सकते हैं, रीपरचेजर बना सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग भी अगर आप इसमें पैसा कमाना चाहते हो, कामयाब होना चाहते हो, तो जो बातें मैं बता रहा हूँ, जो चीज़ मैं सिखा रहा हूँ, उस पर काम करो, उतर जाओ, लोगों को बताओ। किसी से पैसे थोड़ी मांग रहे हो, किसी से मदद नहीं मांग रहे हो, आप मदद देने जा रहे हो, आप उनके पैसे बचाने जा रहे हो, आप उनको स्वस्थ रखने जा रहे हो, आप एक नेक काम कर रहे हो, सेवा का काम कर रहे हो। ज़्यादा से ज़्यादा सामने वाला क्या बोलेगा, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे बोल देगा तो हमारा नुकसान क्या है, कोई नुकसान है क्या, नहीं है उसका नुकसान, हमारा थोड़ी नुकसान है। अब हम इतना भी नहीं कर सकते लोगों को। आज की अपनी इस वेबिनार को यहीं पे विराम देता हूँ। आगे नेक्स्ट डे मैं कुछ और जानकारी साथ आऊँगा। जैसे कई लोग बोलते हैं ना कि बहुत सारी कंपनियाँ हैं जो मुझे लोभ देती हैं, बढ़ावा देती हैं, बहुत सारी कंपनियाँ जो साथ, तो आज से कमीशन करना है, आज 10 तारीख हो गए। अगर आप आइए दीदी, आपको अनम्यूट कर दिया। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग दीदी। सर यही एक आरडी और लगानी थी। एक नहीं, मैं कहता हूँ हजार खरीदारी नहीं हुआ है यार, आप भेज दो ना, लगे एक नहीं हजार लगा। लेकिन अभी खरीदारी नहीं हुई है मंजू का। मंजू का नहीं हुआ तो मंजू से बात कीजिए, हमारी बात कराइए मंजू से। लेकिन वो सर इसी में है, देखिए अब आपके गाँव में आई थी। सुनिए, 3 लोग गाँव में हो गए ना, आप 3-4 लोग हो गए ना, धीरे धीरे वहाँ पे 10-20 लोग जाओगे, ठीक है ना।
हाँ घबराओ मत, आपको सब लोग बुलाए, कब आएंगे आप? हाँ हम भी आएंगे, तो बस हमारा काम इधर खत्म है। दीपावली समझ लो, दीपावली बाद आ रहे हैं आपके पास में, घबराइए मत। सबको इकट्ठा करना और बहुत आगे जाओगे, आप सीख रहे हो, लगातार सीख रहे हो। जी हमको प्रीति दीदी तो भी कल कोई मम्मी जी लेके आई थी, अच्छा तो बोल रही थी आरडी लगाना हमारे, जबकि उनके घर में कोई काम किया है आरसीएम का, उसको मतलब महीने का नहीं मिला लेकिन फ्री प्रोडक्ट मिला था, तो छोड़ दी है, बोल रही हम भी करेंगे, हमारा लगा दो। ले लो डॉक्यूमेंट, ले लो आधार कार्ड, उनका फोटो सब ले लो अपने मोबाइल में जल्दी से, ठीक है, तब आधा काम हो जाएगा, ले लो। घर जाना पड़ेगा सर, व्हाट्सएप पे मंगा लो ना, ठीक है सर। हाँ प्रीति दीदी आप भी थोड़ा ध्यान दो, दोनों बहन मिलकर के काम करो, आप दोनों सीनियर हो वहाँ पे। आगे चलते हैं। जी दीपक जी आइए सर। सर नमस्कार, विजय आरसीएम, जैसा कि आपने जो जानकारी अभी दिए हैं, स्टार्टअप कराने का तरीका, ये तरीका सर बहुत गजब है, इससे हम सामने वाले को दिल जीत सके और उसे स्टार्टअप करा सकते हैं, क्योंकि ये जो आप जो फॉर्मूला भी बताए हैं ब्रह्मा की तरह काम करेगा। जैसे कि एक बार हम आपको लेकर गए थे और इसी तरीका से बताए तो आदमी एक्टिव हो गया, और जो आप आज बताए हैं ये भी सर तरीका ठीक है, और इस तरीके को हम लोग फील्ड में उतारे, सुनकर ना रहे, फील्ड में तो इससे भी जनों में मिलेगा, और यही बताते हैं दोस्त भी दिखते हैं फील्ड में उतारे और सप्लीमेंट करें, फिर हम आरसीएम का विनर बनेंगे, नहीं तो नाम पड़ जाएगा आरसीएम किए थे बस, सब मजाक उड़ाक कर रह जाएगा। थैंक यू सर, यही कहना चाहते हैं। जय आरसीएम जी। जय आरसीएम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, बोलिए। मैं बोलना चाहती थी जिसको भी मैं समझाती हूँ वो पता क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं हम मीटिंग पे नहीं आना चाहते, हम पैसे खा ले। हाँ प्रोडक्ट दे दीजिए, मीटिंग ना कोई बात नहीं, प्रोडक्ट खिलाइए। हाँ तो मैं जब फ्रेंड से रहना है तो फिर फेस ठीक करनी है तो दर्शन करना पड़ेगा। अपने आईडी पर प्रोडक्ट दीजिए, इसीलिए कर अपने आईडी पर प्रोडक्ट पे नहीं आना चाहते। नहीं आते कोई बात नहीं, अपने आईडी पर प्रोडक्ट दीजिए और हमसे मिला दीजिए, एक बार हमको मिलवा दीजिए, आएंगे पक्का आएंगे।